आइए चेलक सर की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए सीखते हैं समीकरण के गुणधर्म। समीकरण के गुणधर्म, समीकरण के मुख्यतः दो गुणधर्म हैं। पहला क्या कहता है, पहला गुणधर्म ये कहता है कि समीकरण में बराबर का चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लगा रहेगा और इसके दो पक्ष होंगे, दो पक्ष होंगे। तो कौन कौन से होंगे वो दो पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो इस प्रकार से समीकरण के गुणधर्म का पहला गुण क्या कहता है कि बराबर के चिन्ह के बाद किसी भी समीकरण में बराबर का चिन्ह लगे रहेगा और उस बराबर के चिन्ह के बाद उस समीकरण के दो पक्ष होंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। दूसरा गुणधर्म, दूसरा गुणधर्म क्या कहता है, ये कहता है समानता का नियम, समानता का नियम। तो समानता के चार नियम हैं, समानता के चार नियम हैं। कितने नियम हैं? चार। कौन कौन से नियम हैं? तो यदि ये किस अवस्था में है, इफ ए बी सी, ये क्या हो यदि वास्तविक हो, क्या हो वास्तविक हो, तब ये चार नियम हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला नियम क्या कहता है, देखिए ए बराबर बी, यदि ए बराबर बी हो और इनमें कोई भी एक समान संख्या जोड़ी जाए, कि इसमें दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जाए, जैसे कि a प्लस सी और b प्लस सी, तो समान संख्या जोड़े हैं, ठीक है। तो समान संख्या जोड़ी जाए तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता। कैसे? अब जैसे मान लेते हैं ये कोई संख्या है 9 बराबर 9, या ऐसा दूसरा समझते हैं, एक धन दो बराबर सात, या यहां कहें तो 5 धन 2 बराबर 7, ये कोई क्या है समीकरण है, ठीक। इसी प्रकार से a बराबर b, तो यहां पर हमने लिया कि 5 धन 2 बराबर 7, ये एक समीकरण लिया। तो इस आधार पर देखें, अब हमने क्या क्या कह रहा है, पहला नियम कह रहा है कि दोनों पक्षों में समान, कोई भी अंक बताओ कौन सा अंक जोड़े, एक अंक बोलो, सात। दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, सात जोड़ने पर। तो पहला पक्ष 5 धन 2 धन 7 बराबर 7 धन 7, तो 5 2 7 धन 7 और इधर 7 धन 7, तो कितना हो गया 14 बराबर 14। समझ में आ गया? पहला समानता का नियम क्या कहता है कि दोनों पक्षों में कोई एक समान अंक जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो बराबर ही होता है, ठीक है। पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, समानता का दूसरा नियम, समानता का दूसरा नियम, यदि a बराबर b एक समीकरण हो और एक समान अंक इसमें घटा दिया जाए, दोनों पक्षों में समान अंक क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, ठीक है जी। मान लेते हैं a बराबर 7 और b बराबर 9 ऋण 2, 9 ऋण 2, तो कोई भी संख्या इसमें हमने क्या करना है, घटाना है,
क्या संख्या घटाएं बताओ, क्या घटाएं, कोई दोनों पक्षों में अंक घटाना है, नया अंक ना, ये तो हमारा एक समीकरण है ना, तो ये 7 = 7 तो हो गई, तो इसमें क्या अंक घटाएं, कोई एक अंक बताओ, 5 घटा देते हैं, तो यहां लिखें दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, तो दोनों पक्ष में 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 7 × 5 = 7 × 5 है ना, तो 7 × 5 जाएगा तो 2 और 7 × 5 जाएगा तो 2, तो ये सही कह रहा है ना, कि यदि a बराबर b हो तो a ऋण c बराबर b ऋण c, मतलब इसमें समान अंक घटाने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दो समीकरण समझ में आ गया। तीसरा समीकरण या तीसरा इसका नियम क्या कहता है, समानता का दो नियम हो गया, समानता का तीसरा नियम देखें। समानता का तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई a बराबर b हो, कोई समीकरण ऐसा हो, और यदि दोनों पक्ष में समान अंक जो गुणा कर दिया जाए, क्या किया जाए, गुणा किया जाए, किसमें, दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं c गुणा कर दें तो a इंटू सी बराबर b इंटू सी या ए सी बराबर बी सी, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। यह हुआ तीसरा नियम, अंक लगा के भी देख सकते हैं, जैसे 3 = 2 − 1 ये समीकरण है, तो 3 = 3, अब इसमें कोई अंक दो अंक गुणा कर देते हैं, 2 ये 2 गुणा कर दें तो 3 × 2 और 3 × 2 कितना हो गया, 6 और इधर भी 6, तो इस प्रकार से दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, एक ही अंक के गुणा कराने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा नियम, समानता का चौथा नियम, चौथा नियम क्या कहता है कि यदि a बराबर b हो तो इसमें कोई भी अंक हम विभाजित करें, कोई एक समान अंक विभाजित करें, भाग दें इनसे, जैसे c से भाग देने पर, c से भाग देने पर क्या हो जाएगा, a बटा c बराबर b बटा c, ऐसा होगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, बस यहां शर्त यह रहेगा कि c बराबर 0 मत हो, c बराबर 0 मत हो, ठीक है जी। चलिए अब इनको हम कैसे ये फॉलो होता है इसको समझ लेते हैं। ये चार नियम तो समझ में आ गया कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान अंक जोड़ने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, पहला नियम, ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है, घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा नियम क्या कहता है, गुणा करने पर परिवर्तन नहीं होता। चौथा नियम क्या कहता है, भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए अब इसको उपयोग करके हम देखते हैं, क्या करके, उपयोग करके, चलिए जो नियम हमने अपनाया है उसका उपयोग करते हैं। तो हमारे पास एक सवाल है, क्या सवाल है, x^7 = 3, तो इसको उपयोग करते समय हमको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, कि यदि हमारा एक पक्ष, अंतर तो इसी पक्ष में है क्योंकि इसमें दो पद है, तो उसका जो वो धनात्मक में है या ऋणात्मक में है इसको देखना पड़ेगा। यदि धनात्मक में है तो दूसरा नियम जो ऋणात्मक का नियम है उसको लगाएंगे, घटाने का नियम, और अगर ये 1 × 7 = 3, इसमें चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक में है, तो इसमें
योग का नियम लगाएंगे, जो पहला नियम है समानता का पहला नियम। अब देखें कैसे, तो जो अंक है उसी के विपरीत अंक करेंगे तो हो जाएगा उसका नियम। तो यहां पर लगा दें समानता का दूसरा नियम, तो क्या हो जाएगा, एक ऋण एक धन सात ऋण सात बराबर, ठीक है, तीन ऋण सात, ठीक है जी। क्या नियम लगाए हैं, देखो घटाए हैं ना, तो घटाना कौन सा नियम है, दूसरा नियम। तो यहां हमको लिख देना है समानता के दूसरा नियम, या काल कर दो और ऐसे दूसरा नियम, समानता का दूसरा नियम से, ठीक। इतना समझ में आ गया, ये धनात्मक था इसलिए हमने दूसरा नियम लिया, मतलब घटाया। तो इस साथ से ये साथ कैंसिल हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक उतने ही मान है। तो अब इधर क्या बचा, एक स बराबर, अब इधर बड़ा में क्या है, ऋण चिन्ह है, तो चिन्ह ऋण का ले लेंगे। तो अब सात में तीन जाएगा तो कितना बचेगा, एक स बराबर कितना आ गया, चार आ गया, एक स बराबर ऋण चार आया, कितना आया, ऋण चार। तो इसके बाद आपको हल करने की जरूरत नहीं है भाई, हल हो चुका है, ठीक है। अगर ये मान ऋणात्मक में आए ये, तो हल करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये दूसरा नियम उपयोग समझ में आ गया। अब इसी में हम पहला नियम का उपयोग करके देखते हैं, सवाल को बदल के चिन्ह को बदलेंगे तो सवाल बदल जाएगा, ठीक है, या फिर दूसरा सवाल ले लेते हैं, तो भी दूसरा सवाल लेकर देखते हैं, ठीक है। तीन एक धन पांच बराबर चौदह, तीन एक धन पांच बराबर चौदह, इसको हल करिए, समीकरण को हल करिए, ऐसा दिया है। अब देखो यहां पर जो हमारा सवाल में क्या है, धन पांच है, धनात्मक है, ठीक है। तो अब हमको कौन सा नियम लेना पड़ेगा, दूसरा नियम लेना पड़ेगा, कौन सा नियम, ऋणात्मक का नियम। तो क्या हो जाएगा, देखो तीन एक स धन पांच ऋण पांच, और हमने जानते हैं कि जो यहां जी पद रहेगा उसी पद को हमको लेना है, ठीक, बराबर चौदह ऋण, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो हमने कौन सा नियम अपनाया, समानता का दूसरा नियम। तो क्या बना, तीन एक्स और इससे ये कैंसिल हो गया है ना, बराबर इधर क्या है, चौदह में पांच जाएगा तो नौ। अब जब देखिए ये इस प्रकार से है तो हमको चौथा नियम अपनाना पड़ेगा, कौन सा नियम, चौथा नियम, समानता का चौथा नियम। और समानता का चौथा नियम मतलब भाग देना है, तो उसी अंक से भाग देना है जो पद में विपरीत में है, ये जो पद है, इस पद में जो संख्या होगा उसी से हमको भाग देना है। तो भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, तीन एक सब बटा तीन बराबर नौ बटा, कौन से नियम से, समानता के चौथे नियम से, ठीक है। कौन सी स्थिति में चौथा नियम लगाएं, समझ में आ गया, ठीक है जी। अब लगा दिए नियम चौथा, तो क्या हो गया, अब ये तीन से ये तीन कट गया, क्या बचा इधर, एक सा, क्या बचा, बराबर तीन एकम तीन तिया एक सा बराबर हो गया ना। ये चूंकि अभी हम समीकरण को पढ़ रहे हैं तो ये हमको दिमाग में लगा के रखना है, इस प्रकार से आ जाए पद में अचर राशि भी हो तो हमको समता का चौथा नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हल करके देखें, दो नियम लगभग समझ में आ गया, दो नियम। चलिए और कोशिश करते हैं समझने का, एक प्रश्न लेते हैं,
चार एक्स धन पांच, ठीक है जी, बटा तीन, ठीक है, बराबर 15 को हल करिए। अब इसमें आपको याद रखना कि जब हमारा प्रश्न बटे में है तो समीकरण समानता के तीसरे नियम से काम शुरू करेंगे। कौन से नियम से? तीसरे नियम से। तो समानता का तीसरा, अच्छा, और समानता का तीसरा नियम लगाएंगे और साथ में ये भी याद रखेंगे कि जितने बटा में है वो उसी अंक से गुणा कराएंगे, है ना मजेदार बात। तो या चार एक्स धन पांच बटे तीन गुणित तीन हो गया, बराबर 15 गुणित, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब देखो इस तीन से ये तीन कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा? अच्छा, यहां कौन सा नियम लगाए हैं? समानता का तीसरा नियम। अब समानता का तीसरा नियम कब लगाएं, याद हो गया ना, कि जब वो बटा में रहेगा हमारा सवाल समीकरण का एक पद, तो हम क्या करेंगे, समानता का तीसरा नियम उपयोग करेंगे, ठीक। तो यहां क्या बचा है देखो इस पद में, चार एक्स धन पांच बचा, बराबर 15 तिया 3 पंजे 15 का 5, हाथ आया 1, 3 एकम 3 और 1 45 हो गया। ऐसे हमको 15-20 तक पहाड़ा याद रहना चाहिए, कम से कम 20 तक, ठीक है, 30 तक भी कर सकते हैं। अब देखो ये धनात्मक है, मतलब अब दूसरा नियम लगाना पड़ेगा, मतलब उस चीज को देख के हमको समझना है कौन सा नियम लगना है, ठीक है। तो अब कौन सा नियम लगेगा? दूसरा नियम। तो दूसरा नियम लगाएं, या चार एक्स धन पांच ऋण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर 45 ऋण 5। कौन सा नियम लगाए? समानता का दूसरा नियम, ठीक, समझ में आ गया। अब या क्या बन जाएगा, ये कट जाएगा इससे, या इधर क्या बचा, चार एक्स बराबर 45 में 5 चला गया। अब देखो एक तरफ में गुना है, तो गुना है इसलिए क्या करेंगे, चौथा नियम, भाग करेंगे, है ना, ऋण था तो जोड़े थे, पहला नियम हम बनाए थे, धन था तो घटाए थे, दूसरा नियम हम बनाए थे, भाग था तो जोड़े थे, तीसरा नियम हम बनाए थे, अब गुना है तो क्या करेंगे, चौथा नियम, भाग का नियम अपनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर, चार एक्स भागित 4 बराबर 40 भागित 4। तो इस 4 से ये 4 कट गया, क्या बचा भाई, 4। एक सब बच गया, इधर क्या बच गया, एक सब बच गया। अब इधर क्या है, 4 एकम 4 एकम 4 सुनम, क्या बच गया, एक सब बराबर कितना गया, 10। समझ में आ गया, अब हम इसका प्रयोग करना सीख गए, अब जान जाएंगे प्रयोग करना, ठीक है। तो चलिए आप, हम सब आपको सवाल देते हैं, फिर आप हल करिए, ओके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई जानकारी और नए वीडियो के साथ, और किसी को कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके लिए आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।